सो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। आई होप आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। हमें क्वेश्चन में बतानी है पोजीशन एक्स क्या होगी कि हमारे पास जो थर्ड बीड है वो इक्विलिब्रियम में हो। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि ये जो मेरे पास थर्ड बीड है इसको हम सबसे पहले कहने जा रहे हैं कैपिटल क्यू। एक इसको मतलब एक सिंबल हम असाइन करने जा रहे हैं, प्लस हमने इसको अज्यूम कर लिया है कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है। आप इसी सेम क्वेश्चन को नेगेटिव चार्ज लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं पॉजिटिव लेके सॉल्व कर रही हूँ। अब यहाँ तक करने के बाद जो हमारे पास सेकंड चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि अगर ये दोनों चार्जेस मेरे पास पॉजिटिव हैं तो ये वाला चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा टूवर्ड्स दिस साइड। तो यहाँ पर मेरे पास एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई होगी जिसको हम कह लेते हैं F1। सिमिलरली अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। तो हमारे पास इस तरफ भी एक फोर्स अप्लाई हो रही होगी जिसे हम कह लेते हैं F2। नाउ हमें कहा गया है कि ये थर्ड बीट इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, इसका मतलब कि F1 और F2 आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि मेरे पास F1 जो है वो इक्वल है F2 के। अब क्योंकि ये F1 और F2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R2। तो अगर इसको मैं इस कंडीशन पर अप्लाई करूं इन दो चार्जेस के लिए तो हमारे पास लेट सपोज इसको हमने Q1 कहा हुआ है और इसको हमने Q2 कहा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में ये चीज़ हमें गिवन है कि ये चार्ज मेरा Q1 है और ये Q2 है। तो इन दोनों के लिए अगर मैं अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब अगर मैं इसी सेम फॉर्मूला को इन दोनों चार्जेस के लिए अप्लाई करूं तो यहाँ पर हो जाएगा के मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ये है, जो हम कैसे निकाल सकते हैं, डी माइनस एक्स से। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो लाइक टर्म्स हैं उनको आप कैंसिल आउट कर दें, जैसे कि के और क्यू, और ये यहाँ से के और क्यू कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो मेरे पास जो बचा है वो क्या बचा है, मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हमें Q1 और Q2 की वैल्यूज़ भी क्वेश्चन में गिवन है। हमें गिवन है Q1 जो है वो 3Q है और Q2 जो है वो Q है। तो हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम पुट करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू ओवर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्यू से क्यू को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास बने जो रिमेनिंग आएगा वो आएगा 3/x² इज इक्वल्स टू 1/d-x का होल स्क्वायर। द नेक्स्ट थिंग विच वी कैन डू टू सिंप्लीफाई अवर क्वेश्चन इज कि हम दोनों साइड्स पर रूट ले लें। तो जब आप दोनों साइड्स पर रूट लोगे तो इक्वेशन आपके पास क्या बन जाएगी, √3/x जो है वो अपने रूट को कैंसिल आउट कर देगा क्योंकि इस पे स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/, यहाँ से भी स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा d-x सिंपली। ठीक है, ये सिंपल मैथमेटिक्स थी। हमने दोनों साइड्स पे क्या किया, स्क्वायर रूट ले लिया। अब अगला जो काम हम कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। यानी ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा और x 1 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी √3d-x इज इक्वल्स टू एक्स। अब हमें सॉल्व करना है x के लिए, तो हमें इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। तो हम इस √3 से अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √3d-√3x इज इक्वल्स टू एक्स। अगले टास्क में आप क्या करो, इस √3x को उधर ले जाके प्लस कर दें, पॉजिटिव कर दें, तो ये हो जाएगा √3d इज इक्वल्स टू एक्स प्लस √3x। ठीक, अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से x को कॉमन ले सकते हैं। तो ये एज इट इज़ हम लिखेंगे √3d इज इक्वल्स टू x को कॉमन लें तो ये बचा 1+√3। अब आप इस इक्वेशन को x के लिए लिख लें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू √3d और डिवाइड में आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी 1+√3। सिंपल मैथमेटिक्स है। अब हमें क्वेश्चन में d की वैल्यू गिवन थी जो कि कितनी गिवन है, हमें 1.50 मीटर गिवन है। तो ये वैल्यू आप d की इधर पुट कर दें तो ये हो जाएगा √3 × d की जगह 1.50 और डिनोमिनेटर में मेरे पास 1+√3 आ जाएगा। तो अब आप जब इसको
अपने कैलकुलेटर में पुट करके सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर आएगा x का वो आएगा 0.951, और क्योंकि हर चीज़ स्टैंडर्ड यूनिट्स में थी तो x भी मेरे पास डिस्टेंस है बेसिकली, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जिसमें हमने x को डिटरमाइन कर लिया है। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन में अब आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अगर है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए।